अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेजर पार्ट जो है वो है किडनी। तो अब हमने जैसे उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि किडनी जो है वो किस तरह बनती है। तो किडनी जो है, इसका फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी इसकी फॉर्मेशन में जो बेसिक पॉइंट है वो है नेफ्रॉन। अब अगर हम देखें 1 मिलियन जो है, इनसे ज़्यादा ही नेफ्रॉन जो है एक किडनी में पाई जाती हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स फाउंड इन ईच किडनी। अब अगर हम नेफ्रॉन को देखें, ये क्या है, इसके 2 पार्ट्स हैं। जैसे आप डायग्राम में देखें, आपको डायग्राम सामने नज़र आ रही है, ये पूरा स्ट्रक्चर है किडनी का, नेफ्रॉन का। ये क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल्स जो हैं, जिसको हम आर्टरीज कहते हैं, इनमें तफ्त ऑफ कैपिलरीज का पाया जाता है, यानी गुच्छा पाया जाता है कैपिलरीज का। जब ब्लड इसमें एंटर होता है तो इसमें ये फर्स्ट पॉइंट है जहाँ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिमूव होना, यानी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। 2 पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन है। इसका फर्स्ट पार्ट है रीनल कॉर्पसल्स, और इसका सेकेंड जो है वो है रीनल ट्यूब्यूल्स। क्या है हम पढ़ रहे हैं, किडनी जो है इसमें फंक्शनल यूनिट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, और एक किडनी जो है इसमें एक टाइम में 1 मिलियन जो है वो नेफ्रॉन पाई जाती हैं, जो कि यूनिट फॉर्मेशन में अपना प्रोसेस जो है उसको साथ साथ कंटिन्यू करते हैं। नेफ्रॉन जो है इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, जिसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स। अब हमने जैसे कि रीनल कॉर्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स इसके पार्ट्स हैं, तो हम इसको नेक्स्ट डिफाइन करते हैं कि रीनल कॉर्पसल्स क्या हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है वो नेफ्रॉन का, वो है रीनल कॉर्पसल्स। ये फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन जो है, रीनल कॉर्पसल जो है, इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स है। इसका फर्स्ट पार्ट, जिस जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसमें तफ्त ऑफ कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज का एक गुच्छा पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, ये तफ्त ऑफ कैपिलरीज है, यानी ये कैपिलरीज का एक गुच्छा पाया जाता है। इसमें ये फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। अब इसका सेकेंड पॉइंट देखें, वो है बोमेन कैप्सूल। ये रीनल कॉर्पसल का सेकेंड पार्ट है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ग्लोमेरुलस क्या है, ये तफ्त ऑफ कैपिलरीज है। इसके इर्द गिर्द जो है, इसकी सराउंडिंग में एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर पाया गया है, इसको हम कहते हैं कि ये बोमेन कैप्सूल है। ये क्या है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर। और इसका काम क्या है, ये इनक्लोज करता है, इनक्लोज ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस जो है इसको कवर करने में ये अहम किरदार अदा करता है, उसकी कवरिंग करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। तो रीनल कॉर्पसल्स हमने स्टूडेंट्स देखा है कि क्या है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है
बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस क्या है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जो हमें डायग्राम में रेड कलर की नजर आ रही है, एक गुच्छा है कैपिलरीज का और इसके इर्द गिर्द एक कप शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जो ग्लोमेरुलस को अपने अंदर कवर करके रखता है, जिसको हम कहते हैं कि ये बोमेन कैप्सूल है। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है नेफ्रॉन का हम पढ़ेंगे, वो है रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल्स। अब रीनल ट्यूब्यूल्स जो है अगर हम देखेंगे तो ये देखेंगे आपके ये फर्स्ट जो है क्वाइलिंग शुरू होगी, यानी क्वाइल फॉर्म में ये इसमें झुकाव पैदा होगा, इसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, फर्स्ट क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यानी फर्स्ट क्वाइलिंग जो नेफ्रॉन में होगी इसको हम कहेंगे कि ये रीनल ट्यूब्यूल है। जैसे हमने इससे पहले रीनल कॉर्पसल के पार्ट्स पढ़े हैं तो इसके भी थ्री पार्ट्स हैं। फर्स्ट है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, सेकेंड वन इज लूप ऑफ हेनले, एंड थर्ड पॉइंट इज डिस्टल ट्यूब्यूल्स। ये इसके थ्री पार्ट्स हैं। फर्स्ट है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, सेकेंड है लूप ऑफ हेनले और थर्ड है इसका डिस्टल ट्यूब्यूल्स। अब जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं फर्स्ट क्वाइलिंग स्ट्रक्चर जो होगा उसको हम कहेंगे कि ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, फर्स्ट क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ, फर्स्ट क्वाइलिंग ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। अब सेकेंड जैसे है लूप ऑफ हेनले, डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि ये यू शेप्ड है जो क्वाइलिंग को आगे बढ़ा रही है और जैसे जैसे ये पाथ स्टार्ट होता है इनमें रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस जो है साथ साथ होता रहता है। एक साइड पे जो है वो सॉल्ट्स की अब्जॉर्प्शन होती है, दूसरी साइड पे वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है। तो ये यू शेप्ड जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं कि ये लूप ऑफ हेनले है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। ये रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है तो यू शेप्ड ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम कहेंगे कि ये लूप ऑफ हेनले है। अब नेक्स्ट जैसे हम चलेंगे तो इसके बढ़ते बढ़ते साथ साथ जो है इसके पार्ट्स आते जाएंगे, एफिरेंट एट्रियूल है, ग्रैनुलर सेल्स है, मैक्यूला डेंस है, बोमेन कैप्सूल जो हमने पहले कर लिया है, एफिरेंट आर्ट्रियूल्स है, तो ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं ये फिल्ट्रेशन में उसको हेल्प करते हैं। लास्ट पार्ट जो है उसका है वो है डिस्टल ट्यूब्यूल, लास्ट क्वाइलिंग ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी रीनल ट्यूब्यूल के लास्ट क्वाइलिंग जो आप देख रहे हैं लास्ट पे आके ये वाला पॉइंट जो है फिर क्वाइल हो रहा है और उसके बाद जो है वो कलेक्टिंग डक्ट शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है वो स्ट्रेट पाथ में जाएगा। लास्ट क्वाइलिंग जो है उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, इसमें डिस्टल ट्यूब्यूल्स। अब इसके बाद जैसे हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो इसका लास्ट वाला पार्ट जो है वो है कलेक्टिंग डक्ट। इसको हम कहते हैं ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। अब स्टूडेंट्स जैसे हमने नेफ्रॉन के टू पार्ट्स पढ़े हैं, इनमें रीनल कॉर्पसल है, रीनल ट्यूब्यूल है, नेक्स्ट उनकी डिवीजन हमने पढ़ी है डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो है इसमें क्या होता है, मैनी नेफ्रॉन ओपन इन कलेक्टिंग डक्ट, यानी यहाँ पे आके ओपन डक्ट में ये खुल जाती हैं और फिर यूरिन जो है इनमें ड्रेन कर दिया जाता है, यानी जो फॉर्म जिसकी फॉर्मेशन हो गई है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस सारा हो चुका होता है, तो ये क्या करती हैं डिस्टल ट्यूब्यूल में चली जाती हैं नेफ्रॉन सारी और वहाँ जाके ये खुल जाती हैं और यूरिन जो है इसमें ड्रेन कर दिया जाता है, फिर वो यूरिन जो है वो लास्ट पार्ट में रीनल पेल्विस में चला जाता है।
रीनल पेल्विस जो हमने किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ये क्या है, ये क्या करता है, रीनल पेल्विस जो है वो यूरेटर के साथ जुड़ जाता है और यूरिन को यूरेटर में ट्रांसफ़र कर देता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है उसको कंप्लीट किया है, इसमें इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, इसका फंक्शन क्या है और यूरिन किस तरह इसमें फॉर्म किया जाता है। तो कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।